दरे नबी पर बड़ा रहूंगा, बड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो अस्सलाम वालेकुम। हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। और ये आप देख रहे हैं मस्जिद नबी का गेट नंबर 333, ठीक है, बिल्कुल इसी के बाहर का मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। और ये सुबह का मंज़र है, ठीक है, जब हम फजर पढ़ने आए थे। आपने देखा होगा मैंने जो वीडियो रोज़े रसूल की डाली थी, ये बिल्कुल उसी दिन का ये ब्लॉग है, ठीक है। क्योंकि मेरा 8 बजे का परमिट था रोज़े रसूल की ज़्यारत के लिए, तो हमने सोचा चलो थोड़ा शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं, थोड़ा देखते हैं। क्योंकि हमने काफ़ी सुना है कि ये जो शॉप आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल यहाँ पे जानमाज़ वगैरह बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मिलता है। और इसके बाहर की जो शॉप भी है गेट नंबर 333, ठीक है, तो ये पूरा बाहर का व्यू है। ये इतना खूबसूरत लगता है ना सुबह के वक्त, यकीन करें इतना दिल को सुकून मिलता है। और सुबह की तो बात ही अलग होती है, मतलब आप अगर फजर की नमाज़ पढ़ लें मदीने में तो पूरा दिन समझिए इतना सुकून वाला गुजरता है ना। तो लाइटिंग वगैरह देखिए लगी हुई थी। ये बिल्कुल गेट नंबर 333 से अटैच है अल मनोवरा शॉप, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं और फिर प्राइस वगैरह भी मैं आपको बताती हूँ कि कितने प्राइस में क्या है। और गिफ्ट वगैरह देने के लिए बहुत ही अच्छा है, जैसे कि आप सबको पता है उमरा और हज पे जब हम आते हैं जो लोग भी, तो अपने होम कंट्री लेकर जाते हैं लोगों को गिफ्ट देने के लिए। तो चलें फिर बात करते हैं। This one green. This green. This is 90. And ये सब वो जो ऊपर है 130 रिया। जहाँ नमाज की क्वालिटी मैंने टच करके देखा, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छी है। इस वीडियो में आपको बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेगी शॉपिंग के रिगार्डिंग। लाइक आप उमरा या हज के लिए आते हैं तो क्या गिफ्ट ले जा सकते हैं, किस शॉप से आपको शॉपिंग करना चाहिए और क्या प्राइस होना चाहिए, सब कुछ मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी। क्योंकि हमने बहुत सारी शॉपिंग की है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। एंड जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। एंड इंस्टा पर भी मुझे फॉलो करें, इंस्टा आईडी जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो वहां से आप मुझे प्लीज जाकर फॉलो करें। 45 रियाल एंड बिग वन 92 माशाल्लाह। देखिए ड्रेस पीस भी बहुत खूबसूरत था, पूरा सेट था, आप ये भी गिफ्ट दे सकते हैं। और बहुत ही प्यारी प्यारी देखिए यहाँ पे तस्बीह वगैरह है, परफ्यूम है, अतर है, हर एक चीज़ इनके शॉप पे आपको मिल जाएगी जो कि आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। और प्राइस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, क्वालिटी के हिसाब से बिल्कुल सही है। 334 एंड 333 तीनों से निकल सकते। अभी मैंने आपको जो कुछ भी दिखाया ये तो बिल्कुल मस्जिद नबी के गेट नंबर 333 से अल मुनव्वरा शॉप का दिखाया। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये बाहर आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी लाइन से सारी शॉप्स हैं, तो यहाँ भी अभी अंदर चलते हैं और मैं आपको विज़िट करवाती हूँ कि वहाँ पे क्या क्या गिफ्ट्स आप ले जा सकते हैं और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और उसका प्राइस क्या है, सब कुछ शेयर करूँगी आपके साथ। और बस हवाएं बहुत तेज़ चली थी, आपने वीडियो में सुन सकते हैं कि थोड़ा सा हवाएं डिस्टर्बेंस कर रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं। और यहाँ ही आएगा फोटो सेशन हो रहा है। ये सारी शॉप जो है दारुल तक्वा होटल के नीचे ही है, सारी लाइन से। देखो यहाँ पे देखो, अच्छा, अरे वो तो तस्बीह पढ़ने के लिए। देखिए कितनी खूबसूरत है काउंटिंग के लिए तस्बीह, और इसमें कलर भी काफी हैं तस्बीह पढ़ने के लिए। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं, वैरायटी भी हैं, वॉलेट वगैरह भी देखिए हैं। और ये किताबें देखकर तो मुझे जरीर बुक स्टोर की याद आ गई, क्योंकि यहाँ पे आपको हर तरह की अरबी, उर्दू में, इंग्लिश में, मतलब जिस तरह की आप चाहें बुक्स मिल जाएगी। तो
ऑटोमेटिक इट इज डिटेक्टिंग है माशाल्लाह हाउ मच फॉर दिस कितना 240 देखिए कितने खूबसूरत बैंगल्स कड़े ब्रेसलेट ठीक है। और अभी आपने जो देखा कुरान शरीफ वो पेन जो है वो स्कैन कर रहा था ठीक है, उसकी वजह से पेन जो है वो रीड कर रहा था। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही यूनिक था समथिंग ठीक है, और बहुत ही कोई प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं था, 240 रियाल था। और तस्बीह वगैरह देखिए, ये सब आप चीज़ें मतलब ये ले जाने वाली चीज़ें हैं ठीक है, जब आप सऊदी आएँ। और ये देखिए ये सारे आप देख रहे हैं बॉक्स, ये 10 से 15 रियाल में थे, 10 और 15 रियाल की रेंज में सारे डिफरेंट देखिए, कितना अरबिक में लिखा हुआ, कितना खूबसूरत लग रहा है, पेन वगैरह भी इसके साथ अटैच। और मुझे ये ब्रेसलेट बहुत पसंद आया, तो आप लोग भी बताइएगा आप लोगों को कौन सा पसंद आया। इतनी वैरायटी थी समझ में नहीं आ रहा था गोल्डन लूँ सिल्वर लूँ, मैंने फिर गोल्डन ये पसंद किया और एक सिल्वर पसंद किया, लेकिन उसमें भी अलग अलग पैटर्न थे। देखिए इसमें डायमंड लगे हुए हैं, तो बस कलर कॉम्बिनेशन भी इतना था। अब बताइएगा दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है ज़्यादा। और ये 10 रियाल में था। आई होप कि आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे, मेरी तरह आप लोग भी इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। और इस वीडियो को बनाने का मकसद बस आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ जो कोई भी मदीना में आए जब उम्रा के लिए हज के लिए आते हैं तो अक्सर लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कहाँ से लें, क्या चीज़ें लें, कहाँ सही प्राइस में। तो बस इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसे पसंद करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक भी करिएगा एंड अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और बस अभी शॉप से निकलकर हम दूसरी बाजू वाली शॉप में जा रहे हैं, अब वहाँ देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, तो मेरे साथ आप भी चलें। ये सब 10 से 15 रियाल में हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे, आप देखिए देखने में ही कितना प्यारा लग रहा है ये सब चीज़ें। और ये सब ले जाने लायक गिफ्ट देने के लिए ही बना हुआ है ठीक है। और यहाँ पे कीचेन भी बहुत खूबसूरत थी, वो सब 10 से 15 रियाल में थी बना ठीक है। यहाँ पे आप अपने नाम के अल्फ़ाबेट से भी किचन वगैरह ले सकती हैं। और खाने काबा का भी देखिए कितना प्यारे प्यारे, आई लव मदीना, इससे प्यारी किचन तो शायद आपको कहीं और ना मिले, मुझे तो बहुत अट्रैक्ट की, इतना खूबसूरत है माशाल्लाह, डेकोरेशन के लिए अच्छा है। प्राइस पूछो ना, एनीथिंग इनसाइड 110 रियाल। ये तो पूरा स्टोन ही है, लाइटिंग वगैरह नहीं है। पूछो कितने का भैया, ब्रेसलेट कितने का मोहम्मद, ये कितने, प्यारा लग रहा है। दिस वन ये भी सिल्वर एंड गोल्डन में ब्रेसलेट बहुत प्यारा था 10 रियाल में। तो बस अभी ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।